ट्रूडो सरकार वालों SFJ के रेफरेंडम 2020 नूं रद्द करने लई चुक्या गया कदम NRI दी खालिस्तान विरोधी भावना का सिद्धा नतीजा है। पन्नू दी भारत की शांति और सद्भावना भंग करने की कोशिश नूं रद्द करने दे लई मैं कैनेडियन सरकार और सारे शांति पसंद NRI का धन्यवाद करता हाँ। यह कहना है MP रवनीत सिंह बिट्टू का। इस मौके पर बोलदियां रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अज मैं समझदा बहुत वड्डी मैं समझदा जित आ जिहड़ी जिहड़े अपने देश नूं प्यार करदे आ, अपनी धरती नाल प्यार करदे आ, अपने पंजाब नाल प्यार करदे आ, ते खास तौर ते NRIs जिहड़े विदेशां दी धरती ते साडे पंजाबी बैठे आ, चाहे ओह कनेडा दी गल कीती जावे, चाहे ओह अमेरिका USA दी गल कीती जावे, इंग्लैंड की गल की जाए, यूरोपियन कंट्रीज की गल की जाए, वो अज मैं समझदा जिहड़े 99% लोग ने उन्हां दी अज जित हुई आ, जिहड़े 1% जिन्हां दा सरगना जिन्हां दा सरदार वो पन्नू साहब जिन्हां नूं कहा जांदा पूंछ वाले पन्नू साहब, ते उन्हां दे नाल उन्हां दी टीम जिन्नी भी रेफरेंडम दी 2020 दी मैं समझदा जस्टिन ट्रूडो साहब ने जिहड़े उत्थे दे प्रधानमंत्री ने कनेडा दे प्रधानमंत्री ने जिन्हां नूं इह समझदे सी वी असीं जेब च पाई फिरदे आं ते सब तों वड्डी देश दे खिलाफ पंजाब दे खिलाफ इह जिहाद जंग आ जिहड़ी उस धरती तों शुरू कर रहे सी, हमेशा उत्थे दी गल करदे सी, उत्थे दी लोकतंत्र दी डेमोक्रेसी दी गल करदे सी, अपने MPां दी गल करदे सी, अपनी वोट दी ताकत दिखाउंदे सी, पर उन्होंने यह सारिया चीजा जिदन का रेफरेंडम शुरू होया पिछले महीने तो उन्होंने एक एक चीज चेक करके, क्योंकि उन्होंने भी आखिर इंटेलीजेंस एजेंसीज ने उन्होंने देखा भी जेडे 99% जेडे पंजाबी ने उरे बसे हुए ने साडे देश दे विच, वो तो अपने देश नाल ने, देश चो जांदे आ, उत्थों इत्थे आउंदे ने, ते तालमेल जिहड़ा साडा असीं इंडिया नाल बना के रखनी आ, व्यापार साडा इह सारा कुछ आ, एडा वड्डा ताकत आ देश, ते उन्होंने खास तौर पर जिहड़ा कल बयान जारी करके बहुत वड्डी मैं समझदा पन्नू साहब एंड कंपनी मैं शब्द वरतना तो नहीं चाहुंदा सी, पर बहुत वड्डी मूंह ते चपेड़ आ जिहड़ी उह जस्टिन ट्रूडो साहब ने ते उन्हां दी कैबिनेट ने सारी ने मारी आ, ते अज पन्नू साहब हिले हुए ने, अज उन्हां दा जिहड़ा जिहड़ा अगे उह बड़ी मतलब बहुत ही औखी आवाज दे विच बड़ा ही धमकी भरे लहजे नाल वो अपनी वीडियोस बना के उरे भेज दे, पर अज गल जिहड़ी मैं खास तौर ते थोड़ी करा भी तुसी सिर्फ ते सिर्फ थोड़े कोल एक जगह बची है, एक धरती हुण मैं थोनू हफ्ता पहला मैं एक सुनेहा पहला दिता सी, मैं कोई अपने आप तकड़ा दी अपनी नहीं मैं गल की सी, मैं अपने ये 130 करोड़ देशवासियां दी ते साडे जिहड़ा पंजाब आ पंजाबियां दी आवाज च गल कीती सी भी भाई जदों साडी स्टेट ने पन्नू साहब थोनू टैररिस्ट ऐलान दिता ते हुण दिन थोड़े बहुत थोड़े ने, अज जिहड़ा हिंदुस्तान आ इंडिया ए वो एक बहुत वड्डी ताकत आ, इहदे बराबर दे अज वो दिन पहला सीगे भी अमेरिका कनेडा इंग्लैंड ओही गोरे समझदे सी शायद ओह साडा ओही गुलाम मुल्क, अज नहीं अज ये पावर बन गया है, अज उन्हां नूं इस मुल्क की लोड़ आ, एडे दिमाग एडे ब्रेन इत्थे बैठे ने कि उन्हां दा काम इत्थों चलदा है, ते उन्हां ने फैसला जिहड़ा अज कीता है, हुण तुहानूं मैं कहा सी कुछ दिन पहला भी वह दिन बहुत नेड़े आ जिद्दन थोड़े USA दे विच तुसीं इह सब तो टॉप न्यूज आएगी, मैं तो एक साल कहा सी शायद हुण उदों भी दिन थोड़े नेड़े आ गए ने भी जदों थोड़े मुल्क दे राष्ट्रपति ट्रंप थोनों हथकड़ियां ला के उत्थे इंडिया दे विच पन्नू साहब ते थोड़ी जिहड़ी टीम आ जिहड़े वर्क वैबसाइट्स जां चैनल्स ते जिहड़ा हर वेले मुल्क दे उल्ट बेल बोलदे ओ टोटल फ्लाइट थोड़े ओ मुल्क दे जिहड़े टैररिस्ट हो तुसीं एलाने होए ते उत्थे भी टैररिस्ट हो जिहड़े कंट्री एलान दिंदी आ, असीं कदे इत्थे बहि के क्यूबिक स्टेट आ जां किसे उहनां दी स्टेट च जे कनेडा दे अमेरिका दे इंग्लैंड दे उल्ट इत्थे इंडिया च कोई बहि के कोई साजिश रचे ते फिर ओह मुल्क बर्दाश्त करनगे ते इंडिया भी किवें बर्दाश्त करे भी उहनूं तोड़न दे उस मुल्कां दे विच बहि के तुसीं मनसूबे बणाओ, ते इह बहुत अज तुसीं हुण हिल गए हो
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਸਦਾ ਏ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਆ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਲਿਆ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਗੱਲ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ US ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਏ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਲਾਨੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ 2020 ਦੀ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਗੀ।